चैतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिञ्च तत्पुत्र पराशरञ्च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं भारतृककारं अन्यान अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वयोरेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मान्मांगलिकौ उभौ। ओं तत्सत्परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है, अर्थात उसको कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं आता, नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु नहीं आती, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीव को अपने परम कल्याण के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक। भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद है और वेद का अर्थ बताने वाले गुरु हैं। सो सज्जनों, सामवेद, छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय की आज आपको कथा सुनाते हैं। उद्दालक नाम के एक ऋषि थे, उनका एक पुत्र था श्वेतकेतु। वो जब थोड़ा सयाना हुआ तो उसका यज्ञ उपवीत करके और उसको काशी पढ़ने के लिए भेजा। हमारे तुम्हारे मनुष्य शरीर के जन्म में वेदों में 4 आश्रम बताए गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जैसे 100 वर्ष की उम्र कलयुग में प्रायः बताई गई है मनुष्य की, तो 100 वर्ष का यदि 4 भागों में बांट दो 4 आश्रमों के लिए तो 25-25 वर्ष आते हैं। तो पहली अवस्था तो ब्रह्मचर्य की हो गई। ब्रह्मचर्य में यही है कि विद्याध्ययन करे, गुरु के आश्रम में जाकर के वेद पढ़े और ब्रह्मचर्य का पालन करे, गुरु की सेवा करे। तो विद्या पढ़ने, गुरु की सेवा में ये ब्रह्मचर्य आश्रम बीत जाता है सज्जनों। उसके बाद में यदि उसको विद्या अध्ययन करते करते वैराग्य हो जाए तो ब्रह्मचर्य से ही वो संन्यास आश्रम में चला जाए। और यदि वैराग्य ना हो तो क्रम क्रम से 4 आश्रमों में जाए। ब्रह्मचर्य के बाद ब्रह्मचर्यम परिसमाप्य ग्रही भवे, ब्रह्मचर्य आश्रम जब समाप्त हो जाए तो घर में आवे और अपने वर्ण की उत्तम कन्या के साथ में विवाह करे और एक पुत्र मासाद्य बनी भवेत्, एक पुत्र पैदा करके और फिर अपने कल्याण के लिए वानप्रस्थ आश्रम में चले जाएं, पति पत्नी दोनों, 2 अथवा 2 पुत्र पैदा करके चले जाएं, तपस्या करें। तपस्या करके अपना कल्याण करें। और फिर 14वां आश्रम है कि पत्नी को भी छोड़कर संन्यास आश्रम लेंगे। तो ये 4था आश्रम है सज्जनों, संन्यास आश्रम। ये क्रम संन्यास लिखा है, ऐसा वेद मंत्र है। ब्रह्मचर्यम परिसमाप्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा बनी भवेत्, बनी भूत्वा प्रव्रजेत्। यदि वे तरथाः गृहादो वा वनादो वा परिव्रजेत्। यदि किसी को वैराग्य उत्पन्न हो गया है तो किसी भी आश्रम से वो संन्यास ले सकता है, वन में जाके तपस्या कर सकता है। ब्रह्मचर्या देव, ब्रह्मचर्य से ही निकल जा सकता है, गृहाद्वा अथवा गृहस्थ आश्रम से, वनाद्वा या वानप्रस्थ आश्रम से। पर ये वैराग्यवान के लिए है। जब यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु तदेव संन्यसेत् विद्वान। नान्यथा पतितम भवेत्। यदि सब संसार की वस्तुओं से, विषय भोगों से वैराग्य हो जाए तो जिस समय वैराग्य हो जाए उसी समय चल दे। उसके लिए कोई आश्रम का प्रतिबंध नहीं। तो ये वेद में बताए गए। तो उद्दालक ऋषि का पुत्र पढ़ने के लिए गया और फिर 25 वर्ष तक के अपना वेदाध्ययन किया और फिर वो अपने घर आया। पर उसको ऐसा अभिमान हुआ कि अब मेरा जैसा विद्वान कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ। और ये सज्जनों, अभिमान चाहे तन का हो, मन का हो, बुद्धि का हो, विद्या का हो, धन का हो, कोई भी अभिमान हो, जीव के पतन का कारण होता है। जो अभिमान से ऊंचा चढ़ेगा तो जरूर गिरेगा नीचे। इसलिए नम्र रहना, नीचे रहना, झुके रहना, इसी में जीव का कल्याण है। जो नम्र रहेगा, धरती में है तो क्या गिरेगा, वो धरती ही में बैठा है, और ऊपर चढ़ेगा तो गिरेगा। तो अभिमान ऊपर चढ़ना है, वो गिरेगा। और जो नम्र है, नीचे है पहले ही से, उसको क्या गिरना है, वो तो पहले ही से नम्र। तो सज्जनों, ये नीचे गिरने का कारण है सज्जनों अभिमान। तो उसको अपने विद्या का अभिमान हो कि मेरे समान अब कोई विद्वान ही नहीं। सोचो तो सही, क्या हम ही सबसे ज़्यादा विद्वान हो सकते हैं? हमसे ज़्यादा कोई विद्वान है ही नहीं। ये झूठा ही अभिमान है। हमसे भी ज़्यादा विद्वान है। और फिर कोई सब विषय तो जानता नहीं है। सर्वम सर्वे न जानन्ति, अनेक विषय है, न्याय है, व्याकरण है, वेदांत है, गणित है, साहित्य है, विज्ञान है। तो सब विषय में तो कोई विद्वान हो नहीं सकता जो अभिमान करे। हमसे भी ज़्यादा कोई विद्वान हो सकता है। इसलिए अभिमान गिरा देता है लोगों को। इसलिए वेदों में लिखा है, विद्या ददाति विनयम। विद्या जिसके लग आ जाए वो नम्रता देती है, वो झुक जाता है। जैसे जिस वृक्ष में फल लग जाते हैं तो वो वृक्ष की डालियाँ झुक जाती हैं। कोई भी वृक्ष हो, आम हो, अनार हो, आंवला हो, कोई भी वृक्ष हो, उसमें फल लगेंगे तो नीचे झुकी जाएगा वो डालियाँ। फल नहीं लगते तो ऊपर ही डालियाँ चलती रहती। इसी प्रकार से जिस शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राणी, मनुष्य में विद्या रूपी फल लग जाए उसको नम्र ही होना चाहिए। और जिसको विद्या रूपी फल नहीं लगा है वो उदंड ही रहेगा, अभिमान ही रहेगा। और अभिमान करेगा तो गिर ही जाएगा। कोई भी हो, देवता हो, दैत्य हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, अभिमान करेगा तो जरूर गिरेगा। तो उसको ये अभिमान हो गया कि मुझसे ज़्यादा कोई विद्वान ही नहीं है। जब वो काशी से, गुरु के आश्रम से घर आया तो उसको ये अभिमान था कि मेरे पिताजी भी मुझसे ज़्यादा विद्वान नहीं है। इतना अभिमान हो गया तो पिता को प्रणाम तक नहीं किया। पिता ने देखा मेरे पुत्र में नम्र विद्या पढ़ के आया है, नम्रता होनी चाहिए, इसको तो बड़ा अभिमान है विद्या का, मेरी बराबर कोई नहीं। तो ये अभिमान किसी दिन दुख देगा। इसी दृष्टि से अपने लोगों के अभिमान को अपने लोग तोड़ दिया करते हैं। भगवान भी अपने भक्तों के अभिमान को तोड़ देते हैं, नहीं तो उसको दुख होगा। ऐसे ही माता पिता भी अपने पुत्रों के और गुरु अपने शिष्यों के अभिमान को तोड़ देते हैं, नहीं वो गिरेंगे, दुख पाएंगे। तो इसी दृष्टि से पिता ने पुत्र के अभिमान तोड़ने की बात पूछी। पुत्र से पूछा, बेटा विद्या पढ़ा है? बोले हाँ पिताजी, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, महाभारत, गीता, रामायण, भागवत सब मैंने पढ़ लिया, कोई विद्या शेष नहीं है। पिता ने एक प्रश्न किया, कहा एक ऐसी विद्या है जो एक को जान ले तो सब कुछ जान लिया जाता है, कुछ जानना ही शेष नहीं रहता। वो विद्या पढ़ी है तुमने कि नहीं पढ़ी? यस्मिन् विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। जिस एक को जान लेने से सब संसार जान लिया जाता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड जान लिए जाते हैं एक विद्या के जान लेने से। एक के ज्ञान से सब ज्ञान हो जाता है। अभिज्ञातम विज्ञातम भवति, जो नहीं जाना हुआ होता है वो भी जाना हुआ जाता है। अश्रुतम श्रुतम भवति, जिसको कभी नहीं सुना वो भी सुना हुआ हो जाता है, उसका भी ज्ञान हो जाता है। अदृष्टम दृष्टम भवति, जिसको कभी नहीं देखा वो भी देखा हुआ हो जाता है। ऐसी वो विद्या है, एक विद्या, बहुत पढ़ने की जरूरत ही नहीं उसको, एक को जान लिया सब कुछ जान लिया। बताइए ज़्यादा पढ़ने के काम ही नहीं कुछ, एक के ज्ञान से सब का ज्ञान। पुत्र चुप हो गया, कहा पिताजी ये विद्या तो मैंने नहीं पढ़ी, तो फिर क्या अभिमान करते हो? फिर क्या पढ़ा तुमको? इतना विद्या पढ़ने का अभिमान हो गया। अपने पिताजी को भी प्रणाम नहीं किया। माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद देना चाहिए। तो फिर वो नम्र हो गया, प्रणाम किया पिताजी को और कहा पिताजी अच्छा वो विद्या आप ही बताओ। तो उद्दालक अपने पुत्र को वो विद्या बताते हैं, एक के ज्ञान से सबका ज्ञान। और वही विद्या हमारे तुम्हारे लिए भी है, जो उसको बताएगा तो हम तुम भी तो सुनेंगे ना। जैसे स्कूल में 100 विद्यार्थी बैठे हो, तो जो मास्टर एक विद्यार्थी को बताएगा कोई सवाल तो सभी सुनेंगे ना, सब विद्यार्थी सभी लगाएंगे ना वो सवाल। और मास्टर सबका जांचेगा ना सही गलत। ऐसा थोड़े है कि एक को बताया जाए और बाकी ना सुने। गीता का ज्ञान भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर सुनाएंगे अर्जुन को, तो जो वो गीता सुनाई जाएगी तो हम तुम सब लोग नहीं सुनेंगे उसको जो अर्जुन को बताया गया है। सब सुनेंगे, अर्जुन को ज्ञान होगा तो हमको भी ज्ञान होगा। तो सज्जनों, इस इसी प्रकार से जो उद्दालक अपने पुत्र श्वेतकेतु को बताएंगे वो हम भी सुनेंगे तो हमको भी ज्ञान हो जाएगा। श्वेतकेतु ने पिता से कहा, पिताजी अब वो विद्या मुझको बताओ आप। कहा तो पुत्र सुनो, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृणमयं विज्ञातं स्यात्, वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेतेव सत्यं। हे पुत्र, एक माटी के ज्ञान से यथा सौम एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्, वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिका इत्येव सत्यं। हे पुत्र, जैसे एक माटी के ज्ञान से माटी से बने हुए जो भी घट मठ आदि होए माटी का कार्य होए, एक माटी को हमने जान लिया यहीं बैठे बैठे। संसार में नहीं जानना है कि संसार में कितने घट मठ हैं। अपने घर के घट और अपना मठ जान लिया ना, और माटी से बना है घट भी और मठ भी बना है। नाम रूप अलग है और काम भी अलग है। घट ये नाम और घट का गोल रूप, और काम पानी भरने का काम में आता है घड़ा। और माटी से ही ये मठ भी बना है, मकान। तो मठ ये नाम और मठ का रूप आकार और मठ का काम जो रहने का काम दे, इसमें हम रहते हैं घट में, मठ में। और घट में पानी ले आकर के रख लेते हैं। तो नाम अलग है घट का और मठ का, और रूप भी अलग है और काम भी अलग है। परंतु माटी से तो जुदा नहीं है सज्जनों। क्या माटी से घट अलग हो जाएगा? लाखों करोड़ों घड़ा होंगे तो माटी से क्या अलग हो जाएंगे क्या? और अरबों घर में मकान हों तो क्या माटी से जुदा हो जाएंगे? संसार भर के घट हम देखे हों चाहे मत देखे हों, अपने घर में तो देख लिया ना। इतने जान लेने से सारे संसार के जो नहीं देखे हैं 3 लोग 14 भुवन में कहीं मकान बने हों और घड़े हों, खाली नाम और रूप का भेद है, माटी का भेद तो नहीं। माटी से सब घट मठ उत्पन्न होते हैं और माटी में ही, धरती में ही रहते हैं, और यही माटी पृथ्वी में ही फिर एक दिन नष्ट हो जाएंगे। घट भी फूटेगा, मठ भी गिरेगा, फिर माटी रूप हो जाएगा। आदि में माटी है, उत्पन्न होने के पहले माटी है ना, और जो माटी में मिल गए घटमट फूट करके नष्ट होकर तो भी माटी हो गए। तो क्या बीच में भी माटी से भिन्न है? बीच में भी माटी ही है, खाली नाम और रूप अलग अलग है, पर माटी तो सब में समाई है ना, घट में और मठ में। तो माटी, मध्य में भी माटी है। विचार करके देखो तो सारे संसार के घट मठ में विद्वान माटी देखता है, कारण को देखता है। यदि माटी निकाल लो घटमट से तो कुछ घटमट बचेगा क्या? है माटी तो घटमट के रूप में माटी ही है। तो एक माटी के ज्ञान से सारे संसार के घटमट, माटी से बने हुए जो कुछ भी होंगे वो जान लिए जाएंगे। यथा सौम एकेन स्वर्ण पिंडेन सर्वम स्वर्णमयम विज्ञातम स्यात्, वाचारम्भणं विकारो नामधेयं स्वर्णमित्येव सत्यं। हे सौम्य, हे श्वेतकेतु, जैसे एक सुवर्ण के ज्ञान से सोने से बने हुए सभी आभूषणों का ज्ञान हो जाता है। मुकुट, कुंडल, कंठा, कांची, कंकन, अंगूठी ये आभूषण है, पर इनका कारण तो सोना है ना। सोना एक है और आभूषण अनेक हैं, परंतु कोई भी आभूषण सोने से जुदा नहीं होगा। सोने से ही मुकुट बना, कंठा बना, कुंडल बना, कांची बनी, कंकन बना, अंगूठी बनी। तो नाम रूप तो अलग हैं और काम अलग है। मुकुट ये नाम और मुकुट का रूप और मुकुट का काम है मस्तक की शोभा बढ़ाना। कुंडल ये नाम और कुंडल का रूप मुकुट से भिन्न है, और काम भी कानों की शोभा बढ़ाना। कंठा ये नाम और कंठे का रूप मुकुट कुंडल से अलग है, नाम भी और रूप भी और काम भी। वो कंठ की शोभा बढ़ाता है। कांची ये नाम और कटी की शोभा बढ़ाना ये उसका काम है, और कांची का रूप भी अलग है मुकुट कुंडल कंठा से। इसी प्रकार से कंकन, सोने से ही कंकन बना है। कंकन ये नाम और कंकन का रूप कढ़ाई की शोभा बढ़ाना ये काम है कंकन का। तो नाम और रूप भी औरों से भिन्न है। और अंगूठी सोने से बनी, देखो अंगूठी छोटी है सबसे और सोने से बनी है, सोना से जुदा तो नहीं होगी ना। अंगूठी ये नाम, अंगूठी का रूप छोटा, अंगूठी का काम अंगुलियों की शोभा बढ़ाना। तो देखो नाम और रूप और काम सबके अलग अलग है ना आभूषणों के, परंतु का सोना से अलग हो सकते हैं कोई आभूषण? सोना से तो भिन्न नहीं है ना। सोना रूप है, मुकुट कह सकता है मैं सोने से उत्पन्न हुआ इसलिए मेरा कारण सोना है, मैं सोना रूप हूँ। यही बात कंठा, कुंडल, कंठी, अंगूठी भी कह सकती है मेरी उत्पत्ति सोना से भई है इसलिए मैं सोना से जुदा नहीं हूँ। तो सबका कहना ठीक ही है कि मैं सोना हूँ। सोने से जुदा तो कोई आभूषण हो ही नहीं सकता, क्योंकि कारण है सोना। और कोई भी कार्य अपने कारण से जुदा सज्जनों नहीं हुआ कर सकता। नाम, रूप और काम ही अलग अलग हो सकते हैं सज्जनों। कोई एक सेठ था, वो गणेश जी का भक्त था, तो 10 तोले की एक सोने की मूर्ति बनवाई गणेश जी की, और 10 तोले का गणेश का वाहन मूसा बनाया, उनकी पूजा करता था। कुछ दिन के बाद में सज्जनों गरीबी आ गई। समय सबका एक नहीं रहता है, कभी गरीब अमीर हो जाता है और कभी बड़े बड़े अमीर भी गरीब हो जाते हैं। तो समय एक सा रहता नहीं, तो उसको गरीबी आ गई। तो उसने सोचा अब गरीबी में रोटी दाल चलाने के लिए, गुजर बसर करने के लिए अभी मैं बेच देता हूँ गणेश को और मूसा को, फिर जब पैसा होगा तो फिर बनवा लूँगा। तो ले गया बाज़ार में बेचने के लिए सोने की दुकान में, और उसको बेचा सर्राफ को। उसने तौला तो 10-10 तोले के थे, तो 1 तोले का 1000 रुपया मूल्य लगाया उसने। तो 10-10 हज़ार भय, 10 हज़ार गणेश के और 10 हज़ार मूसा के। तो उसने बताया भाई गणेश जी के 10 हज़ार रुपया है, 10 तोले है ये, मैंने तौल के देखा, और 10 तोले का ये मूसा वाहन है गणेश जी का, तो 10 हज़ार इसके भाई, 20 हज़ार आपके भाई। तो सेठ जी ने कहा तुमने कहाँ गणेश जी और कहाँ उनका वाहन मूसा और कहाँ गणेश भगवान। तो भगवान की और मूसा वाहन की तुमने बराबरी कर दिया। तो सर्राफ बोला सोना खरीदने वाला कि तुम अपना गणेश और मूसा वाहन ले जाओ, मैं तो सोना लेता हूँ, सोना की खरीद करता हूँ, तो सोना मैं ले लेता हूँ और गणेश जी को मूसा वाहन को तुम ले जाओ। अच्छा, जब वो सोना ले लेगा तो गणेश और मूसा कहाँ बचेंगे? वो तो नाम ही सोने के ही नाम और रूप थे। सुनार ने बना दिया था सोने में ही गणेश की मूर्ति और मूसा की मूर्ति। तो वो तो सत्य नहीं ना है, सोना ही सत्य है। इस प्रकार से सज्जनों कारण से कार्य भिन्न नहीं होता है। आगे की कथा फिर सुनाएंगे, बड़ी दिव्य कथा है ये। और इसी में तत्त्वमसि आदि महावाक्य के 9 बार उपदेश भी किया है उद्दालक ने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।